हाय फ्रेंड्स, मैं आज आ गया हूँ चनी चौक ई प्लाजे के अंदर और मैं जा रहा हूँ एक ऐसे शोरूम पे जहाँ पे बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस होने वाला सेकंड हैंड लैपटॉप शोरूम में। तो चलिए मेरे साथ और देखेंगे क्या है क्या नहीं और कैसे कैसे लैपटॉप है और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सारे कुछ डिटेल्स में पूछेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और देखेंगे भी। तो देर किस बात की, सीधे चलते हैं। सामने है सैमसंग शोरूम, उसके बाद लेफ्ट मोड़ना है और सीधे मिल जाएंगे आईटी प्लाजा। तो जाएंगे उसी आईटी प्लाजा के अंदर और देखेंगे बहुत सारा लैपटॉप अच्छे अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के अंदर होने वाला है। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ शमीम और आप देख रहे हो डब्ल्यू बी ट्यूटोरियल। जैसे कि मेरे पीछे बहुत सारा लैपटॉप है और मैं आपको पता ही चल गया थंबनेल देखकर कौन सा वीडियो होने वाला है आज। और ये जो वीडियो है इसे लैपटॉप के वीडियो होने वाला है और ये जो मतलब लैपटॉप है बहुत रिजनेबल, बहुत ही अच्छी प्राइस में, बहुत ही बेस्ट प्राइस में होने वाला है और ये वीडियो में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर जो लोग इस यूसेड लैपटॉप की इंटरेस्ट रखते हो, जो लोग लेने चाहते हो, तो उन लोग के लिए वीडियो है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए सारे डिटेल्स क्या है क्या नहीं है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्वालिटी है और क्या इसका वारंटी गारंटी क्या है नहीं है, सारे डिटेल्स पूछेंगे इन दुकान के ओनर के साथ। और चलिए देखते हैं। हेलो हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैम आपके नाम? जी मेरा नाम निखा था। यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? यहाँ पे आपको लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, ठीक है, सारे पार्ट्स सर्विस भी अगर करवाना है सभी कुछ अवेलेबल है, एसेसरीज वगैरह भी, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, बैक कवर हो, स्मार्ट वॉच हो, सभी एक शॉप में आपको अगर आते हैं देन सारा कुछ एक शॉप में ही हो जाएगा, आपको किसी शॉप में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, यानी अगर कोई रिपेयर करना है या सेल करना है, yes, या बाई करना है सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, कहीं भी जाने की जरूरत कहीं भी नहीं, डेस्कटॉप वगैरह वो भी रिलेटेड आपको सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा। क्या बात है, तो कस्टमर के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जाने की जरूरत एक ही जगह में एक ही छत पर मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल आपके पास क्या क्या वेरियंट का क्या क्या मतलब अवेलेबल, क्या क्या दिखा सकते हो? वेरियंट तो बहुत सारा है, मैकबुक हो या फिर डुअल कोर i3 i5 न्यू भी हमारे पास अवेलेबल है अभी, ठीक है, बट यूज्ड में हम आपको ज़्यादा दिखाएंगे। उससे पहले आपको लोकेशन हम अपना बता देते हैं। हमारा शॉप का नाम है आईटी प्लाजा और ये कोलकाता चांदनी चौक ई मॉल सेकेंड फ्लोर शॉप नंबर 216 है। आप ई मॉल में आ जाते हैं देन ग्राउंड फ्लोर देन फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद आपको सेकेंड फ्लोर आएगा, रिलायंस डिजिटल के जस्ट ऑपोजिट देखेंगे आपको सैमसंग रियलमी का शोरूम दिख जाएगा, वहाँ से आपको सीधा हमारा शॉप का लोकेशन दिख जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपको खुद जाकर रिसीव कर लेंगे ई मॉल से। जी हाँ बिल्कुल। तो अगर कोई कॉल करा, मैं आपको सुविधा के लिए कार्ड शो करवा रहा हूँ, जबकि आपको स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिए कि आपका काम आए, ठीक है? ठीक है, तो मैम शुरू कीजिए, आप कहाँ से शुरू करने वाले हो? स्टार्टिंग करते हैं आज हम क्रोम बुक से, ठीक okay. है 464 के साथ ही आता है ये, ठीक है, i7 का प्रोसेसर है ये, आपको वारंटी के साथ मिल जाता है हमारे शॉप से, जानते ही आप 10 बिलो लेते हैं 6 मंथ सर्विस वारंटी रहता है और पार्ट्स वारंटी 1 मंथ रहता है, ठीक है, ये अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 6000 के अंदर ही मिल जाता है। 6000? जी हाँ। और ये है आपका i3 का प्रोसेसर, वैसे डुअल कोर में हमारे पास बहुत सारा है जो आपको 4 से लेकर 6000 में काफ़ी सारे कलेक्शन दिख जाएंगे, आपको दिख ही रहा है यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रख तो बहुत सारा स्टॉक है, ठीक है, मैं बहुत सारे लैपटॉप में दिखा देता हूँ। हाँ, तो कोई कमी नहीं है, स्टॉक बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको डुअल कोर में, बोले तो 4000 से लेकर 6000 के अंदर जिस डिमांड में चाहिए आपको मिल जाएगा, डुअल कोर में आएगा वो। और ये आपका i3 का 4th जनरेशन है, तो ये आपका 360 टच स्क्रीन के साथ है, ये आपको 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क के साथ मिल जाएगा, अपग्रेडेबल मॉडल है, बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, ये अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 10 to 12000 में आ जाएगा। यानी आपको कोई कस्टमर के हिसाब से अगर कोई उसका रिक्वायरमेंट होगा तो चेंज भी कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट वारंटी हम लोग खुद ही देते हैं, 1 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है, कोई भी इशू लगता है तो आप लेकर आ सकते हैं, नॉर्मल इशू रहा तो हम आपको बैटरी हो गया कीबोर्ड हो गया वो रिप्लेस करके ही देते हैं, इनकेस अगर लैपटॉप में कुछ हुआ तो 1 मंथ को आपको रिप्लेसमेंट वारंटी यहाँ से मिल जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। क्या
और ये आपका लेनोवो का पेंटियम है, ये आपको 4GB रैम 1TB हार्ड डिस्क और 128 SSD के साथ मिलता है। ये 15.6 इंच में है। ये सब भी अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 9 to 11,000 के अंदर ही चला आता है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और ये आपका i3 है, कंडीशन थोड़ा सा डल रहेगा, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है i3 का, ठीक है। 14 इंच जस्ट स्क्रैचेस है, तो इस तरह का फ्रेश कंडीशन में हमारे पास ये जितना स्टॉक आप देख रहे हैं सब i3 फर्स्ट से लेकर थर्ड जनरेशन तक है, तो ये सब आपको मिल जाता है 8 to 10,000 के अंदर ही आ जाता है सारा कुछ। और ये आपका AMD का प्रोसेसर है 7th generation Acer का है, इसमें भी आपको 4GB रैम और 256GB SSD के साथ आएगा। तो ये भी तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि व्यूअर्स पूछते हैं ये डिस्प्ले ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट या कीपैड, या इसका जो हार्डवेयर्स होते हैं वो मतलब क्या ओरिजिनल है क्या कुछ रिपेयर वगैरह चेंज किया? हमारे पास 90% लैपटॉप है जो आपको सारे पार्ट्स ओरिजिनल ही मिलते हैं, ठीक है। हाँ, और रह गया बोर्ड, मदरबोर्ड में हमारा किसी भी लैपटॉप में आप ओपन करके चेक करवा सकते हैं, किसी में भी रिपेयरेबल नहीं रहता है। और अगर इनकेस आपको निकल गया कि हाँ ये रिपेयरेबल है, देन आप लेकर आइए, आपका जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर होता है कीबोर्ड और बैटरी, बैटरी अगर लेस देने आधा घंटा बैकअप है तो फिर हम लोग कस्टमर को न्यू बैटरी लगा कर देते हैं, और वो कस्टमर को बता दिया जाता है कि इसमें आपको न्यू बैटरी है और बैकअप भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये आपका i3 का थर्ड जनरेशन है, ये 4GB रैम 500GB हार्ड डिस्क के साथ है और साथ ही 128 SSD भी रहेगा। तो ये भी अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 9 to 11,000 के अंदर ही चला आता है। और ये थोड़ा प्रीमियम मॉडल है, ये i5 का 10th generation है, डेल है, मेटल बॉडी के साथ है, ठीक है। 13 इंच में फुल IPS पैनल के साथ है ये। तो ये आपका 8GB रैम 500GB SSD के साथ है, ये अगर आप परचेस करते हैं ये आपको आ जाएगा 25 to 30,000 के अंदर आएगा। और ये है i5 का 8th generation, लेनोवो का है आइडिया पैड, ये भी IPS डिस्प्ले के साथ है, ये आपको 8GB रैम 500GB हार्ड डिस्क और 1TB हार्ड डिस्क और 128 SSD के साथ है, ये भी अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 16 to 18,000 के अंदर चला आता है। और ये है i3 का 5th generation, 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क और 128 SSD के साथ है। सब में ज़्यादातर लैपटॉप में आपको SSD के साथ ही मिलेगा, क्योंकि स्पीड अभी सबको ही चाहिए, स्लो को यूज़ करना चाहता नहीं है, तो SSD आपको लगभग सारे लैपटॉप में मिल जाएंगे। ये i3 का 6th generation अगर आप परचेस करते हैं ये आपको आ जाता है 13 to 15,000 के अंदर। जैसे स्पीड की बात किया तो कुछ याद आया, जैसे कि कोई ऑफिस के लिए मंगना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, या जैसे कि कमर्शियल यूज करने जी बिल्कुल, तो उनके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बेटर रहेगा? ऑफिशियल वर्क के लिए हमारे पास कमर्शियल पीस बहुत सारा है, ठीक है। वो अब जो पूरा स्टॉक देख रहे हैं, डेल हो गया, HP हो गया, लेनोवो का थिंक पैड, लैटिट्यूड, इलीट बुक, प्रो बुक, वो सारा वहाँ पे भरा पड़ा है, ठीक है। तो ऑफिशियल वर्क के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये आप देख लीजिए, ये i5 का 8th generation है, इलीट बुक है, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है, ठीक है। ये आपका कमर्शियल पीस में आता है, तो ये अगर आप लेते हैं ये आपको 23 to 25,000 के अंदर आता है। जी हाँ, उसे कम में अगर 6th generation लेते हैं तो आपको 17,000-18,000 के अंदर ही मिल जाता है लैटिट्यूड सीरीज में। तो ये सारे भी अवेलेबल है, अगर ऑफिशियल वर्क के लिए लेना है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, बहुत सारा स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। और होम सीरीज तो हाँ, स्टूडेंट लोग के लिए तो ये सारा भरा पड़ा है, कम से कम रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये है आपका राइजन 3 का प्रोसेसर, डेल का है, ठीक है। ये आपका इंस्पायरन सीरीज का है, इंस्पायरन 5000-3000 सीरीज है, ये आपको 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क और 128 SSD के साथ है। ये अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 17-18,000 के अंदर ही चला आता है। और ये देख लीजिए, ये i5 का 6th generation है, ये भी टच स्क्रीन 360 कन्वर्टर के साथ है, इसमें आपको 8GB रैम 256GB SSD के साथ आएगा। तो ये अगर आप परचेस करते हैं ये आपको आ जाएगा 16 to 18,000 के अंदर। और ये एलीट बुक तो मैंने दिखा दिया, चलिए मैकबुक में आते हैं। ये है आपका, ठीक है, बिल्कुल सारे कलेक्शन है। तो मैकबुक ऐसे स्टार्टिंग हमारा 15,000 से रहता है, ठीक है। वो आपको 2012 का एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको, से मैकबुक स्टार्ट है। जी हाँ, मैं बता दूँ
15,000 से स्टार्ट है मैकबुक। अब ये सोचिए यार, ऐसे नॉर्मल लैपटॉप में आ जाते हैं ये प्राइस, ठीक है, और भी लैपटॉप मैकबुक दे रहा है 15,000, है ना। ये है आपका 2012 का मॉडल, इसमें आपको 8GB रैम 256GB SSD मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रो का मॉडल है, मैकबुक प्रो, तो ये आपको 15,000 के अंदर आ जाता है। जो आप इसमें अपग्रेडेबल मॉडल है, इसमें रैम, हार्ड डिस्क, SSD सभी अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको 8GB रैम 256GB SSD के साथ मिल जाता है, ठीक है। इसका व्यूज दिखा देता हूँ, ओवरव्यू, ठीक है, थोड़ा देखिए, देख सकते हो। हाँ, देख लीजिए, क्या नहीं है, सारा ओरिजिनल ही है सर, देख सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छी है, कंडीशन भी बिल्कुल बेटर रहता है ये तो। हाँ, 15,000 मतलब तो बहुत ही कम है और कंडीशन के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है ये आपका, देखिए ये 2017 का है। ये मॉडल में आपको 2015 भी मिल जाता है, सेम लुक में रहता है वो, आपको 4GB रैम 256GB SSD के साथ रहता है, तो वो आपको मिल जाता है 20,000 से 22,000 तक। और ये वाला आपका 2017 का मॉडल है, तो इसमें आपको 8GB रैम और 128 SSD के साथ मिलता है। ये अगर आप परचेस करते हैं, ये आपको 24,000 से 26,000 के अंदर चलाता है। और ये देख लीजिए, ये मैकबुक प्रो है, 2017 का मॉडल है, ये रेटिना डिस्प्ले के साथ है, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है। तो ये सब आप परचेस करते हैं, ये आपको आ जाएगा 17 का 30,000 से 35,000 के अंदर चलाएगा। सारे जो मैकबुक दिखा रहे हो, इसका वारंटी गारंटी या रिप्लेसमेंट या कुछ सर्विस वगैरह? लैपटॉप वो हो या मैकबुक, अगर सर्विस सेंटर से वारंटी है देन आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर हमारे शॉप से आपको मिलता है 1 ईयर सर्विस वारंटी, पार्ट्स वारंटी 1 मंथ रहता है, जो आपका रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ही रहता है। इनकेस अगर कोई इशू हो जाता है, अगर हम लोग नहीं कर पा रहे, देन आपको रिप्लेसमेंट करके हम लोग सेम जो आप परचेस कर रहे सेम कॉन्फिग्रेशन में हम आपको दूसरा मैक देंगे, ठीक है। तो वो आपको 1 मंथ का मिलता है सपोर्ट, उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है सर। हमारे शॉप से रहेंगे, बिल वगैरह सभी दिया जाता है, साथ ही एक माउस, क्लीनर जेल, बैग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, ठीक है। गिफ्ट भी है, और जो YouTube देख करके आ रहे हैं उसको बेस्ट डिस्काउंट में दिया जाएगा। व्यूअर जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाइए जी, गिफ्ट के तौर पे, ठीक है। ये आपका 2018 का मॉडल है, ठीक है। इसमें आपको 2019 भी मिल जाता है, ये रेटिना डिस्प्ले के साथ है। ये आपका i7 का प्रोसेसर है, इसमें 16GB रैम और 512GB SSD के साथ आता है, टच बार के साथ है, ये 15.6 इंच में है। ये अगर आप परचेस करते हैं, ये आपको 60,000 से 65,000 के अंदर आता है। और ये है 2015 का मॉडल, रेटिना डिस्प्ले प्रो में है, 8GB रैम 256GB SSD के साथ है ये, तो ये 13.3 साइज़ का है। ये अगर आप परचेस करते हैं, ये आपको 26,000 से 28,000 के अंदर आता है। अब दोस्तों, अगर आपको लेटेस्ट में लेना है मैकबुक, ओरिजिनल बॉक्स वगैरह सभी है हमारे पास, ठीक है, जो बोलते हैं जी हाँ, ये आपका मैकबुक एयर M1 में है, तो ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर सभी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको 8GB रैम 256GB SSD के साथ आता है। ये अगर आप परचेस करते हैं, ये आपको 48,000 से 52,000 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ऑन ही है लैपटॉप, हाँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मैकबुक के बिल्कुल ले सकते हैं जी हाँ। और ये मैकबुक प्रो है, ये भी आपका 2020 का ही मॉडल है, बट ये मैकबुक प्रो में है, टच बार के साथ है ये, और बिल वगैरह सभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। M1 है ये, M1 ही तो बोला के। और ये देख लीजिए आप, चार्जर वगैरह सब रखा हुआ है। ये अगर आप परचेस करते हैं, ये आपको 62,000 से 65,000 के अंदर आएगा। क्या बात है। अच्छा मैं इसको, अगर मैं ओरिजिनली इसका जो मेन प्राइस में बता रहा हूँ तो पूछूँ तो क्या प्राइस है इसका? मैकबुक एयर अगर आप N1 में लेते हैं तो वो आपको 80,000 तक मिल जाता है, मैकबुक न्यू प्राइस है। और प्रो लेते हैं तो फिर तो वो प्लस ही जाएगा, क्योंकि कॉस्टली होता है प्रो आपका। यूसेज में आप दे रहे हो तो इसका कितना मतलब परसेंटेज कम है? लगभग 40 तो रहता ही है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट मॉडल ही है, ठीक है। अगर कोई भी कस्टमर सेल करता है लेटेस्ट, तो उसे वो प्राइस का प्रॉब्लम होता है या कुछ फाइनेंशियल इशू होता है, देन ही वो सेल करते हैं, नहीं तो कोई सेल क्यों करेगा। तो लगभग प्राइस आपको 40% तक डिडक्ट रहता है। दिखा देता हूँ और थोड़ा सा, ये बहुत स्मार्ट पीस है और ये प्रो है, ठीक है, बहुत ही कूल है।
ओके, जिसको लेना है अगर पैसा कम है न्यू ले नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ पे आइए, आप उठा के लेके जाइए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि वारंटी और सपोर्ट यहाँ से बहुत बेटर मिलता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और होंगे सपोर्ट के लिए जी हाँ फिक्र रहिए सपोर्ट का। और कलेक्शन तो देख रहे हैं बहुत सारा कलेक्शन है, हाँ व्यूअर्स मैं बता दूँ यहाँ पे इतना सारा कलेक्शन है जो मैं सबको एक एक करके दिखा नहीं पाऊँगा, पॉसिबल भी नहीं है इतना सारा दिखाने का और वेरिफिकेशन और आपका क्या कहते हैं प्राइस बताने। तो दोस्तों ये एक देख लीजिए, ये आपका i5 का 11 जनरेशन है जो सर्विस सेंटर से वारंटी आपको कवर हो जाएगा, ठीक है, सर्विस सेंटर से भी वारंटी मिल जाएगा, हमारे शॉप से भी मिल जाएगा। ये आपको 8GB रैम और 500GB SSD के साथ है। ये i5 11 जनरेशन अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 30,000 से 32,000 के अंदर मिल जाएगा। अब लाइक बॉक्स पैक, जो बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, सील पैक में अगर किसी को चाहिए, ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास डेल का है, ये सील पैक के साथ है, जो अगर आप आज इसे परचेस करते हैं, आज बॉक्स ओपन होगा तो आज से ही वारंटी स्टार्ट होता है आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर से, ठीक है। तो ये अगर ये आपको 16GB रैम और 1TB SSD के साथ मिलता है, i5 का 13 जनरेशन है, ये अगर आप परचेस करते हैं ये आपको 55,000 से 60,000 के अंदर हमारे पास मिल जाएगा। जो आप न्यू परचेस करने जाते हैं तो 78,000 तक का इसका प्राइस जाता है, यानी सीधा 20-25%। हाँ, जो आपको बिल्कुल न्यू ही मिल रहा है हमारे शॉप से, आप न्यू ही परचेस कर रहे हैं, वारंटी भी आपको सर्विस सेंटर से ही मिलेगा, हमारे पास तो जो रहता है वो रह गई, साथ ही आप सर्विस सेंटर से भी वारंटी कवर कर लेंगे। वहाँ आप देख लीजिए एसेसरीज वगैरह, हेडफोन सेट है, आप जस्ट कवर कर दीजिए। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, ये बहुत बड़ा शोरूम है और यहाँ पे मैं सारे कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जितना हो पाए मुझसे, ठीक है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेसरीज भी बहुत सारा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो प्रोडक्ट के इशू नहीं है, माल की स्टॉक की, ओके, मैं सारे यहाँ, और एक बार है यहाँ पे स्पेशल जो है वो यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग भी होती है, यहाँ पे सारे मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, जैसे कि हल्का जूम कर रहा हूँ आप लोगों को सुविधा के लिए देखने का, तो देख पा रहे हो यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग चल रहा है, और उनका ऊपर देख सकते हैं कितने सारे मोबाइल यहाँ पे है, और अगर किसी को मोबाइल रिपेयर करना है तो यहाँ पे आइए और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस के अंदर मोबाइल रिपेयर करके लेके जाइए, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू में निकाल दिया और यहाँ पे चले जाते हैं फिर मैडम के पास, और थोड़ा सा आपको मैं दाएं की तरफ दिखाता हूँ इसका शोरूम के, देखिए यहाँ पे भरे पड़े हैं और यहाँ पे इतना बड़ा शोरूम है ताकि मतलब यहाँ पे पूरा सर्विसिंग होती है, आपको जो मोबाइल लैपटॉप लेके जाते हैं जो कुछ दिक्कत होती है यहाँ पे सर्विस तुरंत बिठा के सर्विस होकर निकल जाते हैं, है ना, राइट जी, बिल्कुल हाँ, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सर्विस भी अगर आपका है लेकर आना चाहते हैं इंस्टेंट करके हम लोग दे देंगे, ठीक है, बात है। तो अगर आप यकीन नहीं है तो यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे देखिए कस्टमर लोग यहाँ पे भीड़ लगा है, क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ, ये लोग थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं मेरे लिए, और यहाँ पे देखिए कुर्सी वगैरह है सोफा वगैरह बैठने के लिए, ताकि यहाँ पे बैठ कर और देख सके और सारे कुछ यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ पे लेके जाए और दोबारा ना कुछ मतलब कंप्लेंट ना लाए, है ना जी, हाँ बिल्कुल। तो मैम व्यूअर्स के लिए क्या, देखिए कलेक्शन आपको तो सारे मिल जाएंगे जो भी चाहिए, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है ये सारे नंबर, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर वीडियोस अच्छा लगा है देन सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट्स में बताएं क्या कलेक्शन आपको लेना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कलेक्शन के साथ जी, धन्यवाद।